हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल साइंट फैक्ट पे, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का नॉलेज दिया जाता है। आज की मेरी वीडियो वो होने वाली है ZEE 2000 जो 9 का एग्ज़ाम था दोस्तों, उसका जो बायोलॉजी वाला पोर्शन था उस पे आज की मेरी वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कि अभी अमीबा में पाए जाने वाले कूटपाद निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि लोबोपोडिया। कौन सा हो जाएगा? लोबोपोडिया, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पादप परजीवी सूत्रकर्मी है? तो दोस्तों ट्रोगोडोरस जो है वो एक पादप परजीवी सूत्रकर्मी है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है, केंचुए में निषेचन का स्थान होता है? तो दोस्तों जो अंड कवच है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है, वो हो जाएगा इसके अंदर। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यकृत कृमि का लार्वा है? तो दोस्तों जो सर्केरिया है वो एक यकृत कृमि का लार्वा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। इससे आगे वाला दोस्त क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कि भी एस्केरिस का मुख कितने होस्टों से घिरा होता है? तो दोस्तों ये जो है वो 3 होस्टों से घिरा रहता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, घोंगे का उत्सर्जन अंग है? तो जो बोजेनस अंग होता है दोस्तों उसका, वो होता है उत्सर्जन अंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इनकी बोजेनस अंग। इसके बाद में दोस्तों अपना 7 नंबर है, कि निम्न में से कौन सा तिलचट्टे की श्रृंगिका का भाग नहीं है? तो जिन्नी जो है वो दोस्तों वो उसका श्रृंगिका का भाग नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 8 नंबर क्वेश्चन है, कि वे झींगा श्वसन करता है? तो दोस्तों झींगा है वो गिल्स से श्वसन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक फली छेदक कीट है? तो दोस्तों हीलियोथिस जो है वो एक फली छेदक कीट है दोस्तों, फली छेदक है, ठीक है, फलियों को नुकसान पहुँचाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा एक पादप आधारित कीटनाशी है? तो वो दोस्तों ऑर्गेनोक्लोरीन है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसके अंदर, ऑर्गेनोक्लोरीन। इसके बाद में दोस्तों अपना 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वासियोरक रोग किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों जो यहाँ पे अपना क्वेश्चन हो जाएगा आंसर विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है, कि फुफ्फुस कोपिकीय वायु में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का तनाव होता है? तो दोस्तों वो 36 mm पारा होता है, ठीक है, 36 mm पारा होता है। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है, सामान्यतः रुधिर में न्यूट्रोफिलस का प्रतिशत होता है? तो 70% होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडस की किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? तो दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि है उससे संबंधित है दोस्तों ये, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है, रोम का वर्णयुक्त पर्ण होती है? तो वल्कुट होती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है, सीसन मुंड की व्युत्पत्ति होती है? तो दोस्तों कार्पस पंजियो सम से होती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे, कार्पियस पंजियो सम। इसके बाद में दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मादा जनन तंत्र का संबंधित है? तो मादा जनन तंत्र से संबंधित है दोस्तों बर्थोलिन ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है, कि भी शुक्राणु का कौन सा भाग उसके चलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों मध्य खंड जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में दोस्तों अपना आगे वाले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मछली भारतीय मेजर कार्प नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा वोल्गेनो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है, कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जिसे अब नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, तो वो कहाँ पर स्थित है? तो वो लखनऊ में स्थित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है, कि अभी टैक्सोनॉमी के पितामह किसे कहते हैं? तो जो लीनियस है, कैरोलस लीनियस को बोला जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सी फोर पादप है? तो मक्का है वो सी फोर पादप है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 24 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक रुधिर दाता है? तो वो दोस्तों ओ वाला जो ग्रुप होता है वो सर्वाधिक रुधिर दाता होता है। इसके बाद में दोस्तों गेहूँ के किस कुल का पादप है? गेहूँ है वो दोस्तों ग्रेमिनी कुल का है, पोएसी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है, यीस्ट कोशिका में किस प्रकार के कोश का विभाजन होता है? तो माइटोसिस होता है दोस्तों, एसूत्र विभाजन होता है, ठीक है, यानी कि इसके बाद में दोस्तों अपना आ जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था? तो वॉटसन एवं क्रिक ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो अपना 28 नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की सर्वप्रथम खोज की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने की थी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो वो दोस्तों स्लाइडन एवं स्वान ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो 30 नंबर क्वेश्चन है, काई कोशिका विभाजन को माइटोसिस नाम दिया था? तो दोस्तों फ्लेमिंग ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
इसके बाद में दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति के समान एलील होते हैं तो वह क्या कहलाता है, तो वह समयुग्मजी कहलाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर एक। इसके बाद में दोस्तों अपना आगे वाला क्वेश्चन है, मालवेसी कुल का पुष्प सूत्र होता है तो वो होता है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है, केंद्रक में उपस्थित दागेनुमा संरचना को क्रोमोसोम नाम किसने दिया था, तो डब्ल्यू वोल्डेयर ने दिया था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है अपना, कि वे न्यूक्लिक अम्ल शब्द दिया था तो वो अल्टमान ने दिया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है, क्रब चक्कर की प्रथम उत्पाद है तो वो दोस्तों मैलिक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर दो। इसके बाद में आलू का वानस्पतिक नाम सोलेनम ट्यूबरेसम ट्यूबरेसोन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है 37 नंबर, एक संकर क्रॉस में संकर पूर्वज यानी कि बैक क्रॉस से क्या अनुपात होगा, यानी कि क्या अनुपात प्राप्त होगा, तो 1:1 यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है 28 नंबर भी, एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रोटीन है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा यहाँ पे। इससे आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वायरस के प्रोटीन चोल को कहते हैं तो उसे कैप्सिड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर एक। इसके बाद दोस्तों अपना आगे वाला 40 नंबर क्वेश्चन है, बाजरे के किट रोग का जनक है, यानी कि रोग जनक क्या है, तो पक्सिनिया पेनिसाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा दोस्तों। तो ये थी अपनी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट करना। आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करना दोस्तों, आपको आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहो बोलोगे उस पे वीडियो बनाई जाएगी, ज़रूर बनाई जाएगी और आपको उसके अंदर मेंशन भी किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।